धार जिले के मांडव में सांस्कृतिक परंपरा अनुसार भगोरिया कार्यक्रम संपन्न हुआ। भगोरिया पर्व पर 35 से 40 मांदल ढोल की टीम नजर आई। वहीं नगर परिषद द्वारा मंच बनाकर भगोरिया नृत्य मांदल ढोल वालों का स्वागत किया गया, जिसमें उपस्थित पूर्व सांसद धार महू सावित्री ठाकुर, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जयराम गवार, नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि कृष्णा यादव, वहीं कांग्रेस के मंच पर भी मांदल ढोल का स्वागत धार कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम, धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा, मनोज ग्वाल, यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पीयूष ग्वाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं युवा मांदल ढोल पर झूमते नजर आए। यातायात व्यवस्था भी मांडो थाना प्रभारी जयराज सोलंकी और उनकी टीम ने संभाल रखी थी। जामा मस्जिद चौक पर भगोरिया दल अपनी टीम के साथ नृत्य कर रहे थे, वहीं बाहर से आए पर्यटक भी उनके साथ झूमने लगे। जामा मस्जिद असरपी महल की पेड़ियाँ भी भीड़ से भरी हुई थी। मांडव से विनीत यादव की रिपोर्ट। आज मांडो भगोरिया में आप आए, तो उसके बारे में आप क्या कहें? ये भगोरिया पारंपरिक त्यौहार है, ये हर होली पे मनाया जाता है और सब गांव-गांव से सब उत्साह से यहाँ पर नाचते बजाते गाते हैं और सभी कोई भेदभाव नहीं रहता, सभी लोग अच्छे से अपने इस त्यौहार को, होली के त्यौहार को उत्साह से मनाते हैं। आपका नाम? सावित्री ठाकुर, पूर्व सांसद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।